हाय गाइज, विंटर्स हो या समर्स हो, हम सबको जीन्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज जीन्स इज दैट वन थिंग जो 10-13 ईयर्स से लेके आई गेस 30-35 सारी वुमेन पहनना पसंद करती है. सो आई थॉट कि कुछ 5-7 जीन्स, 5-7 भी नहीं आई गेस 7-8 जीन्स मैं आपके साथ मिंत्रा से शेयर करती हूँ, विच आर ऑल अंडर द बजट ऑफ 1100-1000 रुपीज. मतलब कुछ कुछ ही है जो 1000 से ऊपर गई है, एंड मैं इन सबको थोड़ा थोड़ा स्टाइल करके भी दिखाऊंगी. एंड आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं सारे कलर्स इंक्लूड करूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाइट टू ऑल द शेड्स ऑफ ब्लू टू ब्लैक एंड क्रीम भी है. सारे कलर्स मैंने आपके पास रखे हैं. सो हाय गाइज, माय नेम इज कीर्ति अग्रवाल एंड आई मेक फैशन ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल कंटेंट ट्वाइस अ वीक. एंड फॉर ऑल दोज कंटेंट पीसेस यू हैव टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आई कीप मेकिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट लाइक दोज. एंड यू कैन इवन लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि आपको कैसा वीडियो देखना है. आई विल मेक दैट फॉर यू गाइज. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द वीडियो. तो मैंने ना इस बार मिंत्रा से एक बहुत नया ब्रांड ट्राई करा, लाइक सैसेफ्रास हम लोग बहुत लेते रहते हैं, रेसबेरी वगैरह बहुत लेते रहते हैं, स्ट्रीट नाइन वगैरह भी लेते ही रहते हैं. देयर वाज दिस ब्रांड कॉल्ड स्टाइली STYLI एंड आई डोंट नो हाउ एंड आई डोंट नो व्हाई मिंत्रा पे हर दूसरी हाई वेस्टेड जीन्स स्टाइली की थी एंड रिव्यूज रेटिंग्स इतने अच्छे थे, आई कुड नॉट रेजिस्ट माई सेल्फ. सो आई गॉट दिस जीन्स फ्रॉम स्टाइली. नाउ टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी, आई एम सरप्राइज, लाइक आई एम लिटरली सरप्राइज. आई वॉन्ट से 4-5 हजार वाली क्वालिटी, ऑफकोर्स वी कैन नॉट गेट दैट फॉर 1000-1200 रुपीज, बट देन आई वुड से H&M की 2500-3000 वाला जो सेक्शन होता है ना, बिल्कुल सेम क्वालिटी है. मैंने जब इस जीन्स को देखा ना, फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज लाइक वाओ, दिस इज रियली फ्रॉम स्टाइली. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी हाई वेस्टेड है, दूसरा जो जीन्स हाई वेस्टेड होती है ना मुझे वो कभी भी लेंथ में लंबी नहीं होती है, बट दिस इज सरप्राइजिंगली वेरी वेरी लॉन्ग. सो ऑल द टॉल गर्ल्स आउट देयर, दिस जीन्स इज डेफिनेटली फॉर यू. मतलब मीडियम हाइटेड से लेके इवन टॉल गर्ल्स कैन वेयर दिस जीन्स. एंड मतलब कलर बहुत अच्छा है, लाइक लुक, दिस इज लाइक अ मीडियम वॉश्ड ब्लू कलर, नॉट वेरी डार्क नॉट वेरी लाइट, बहुत ही ज्यादा सुंदर है. आई रियली रियली लव दिस. दोनों साइड पॉकेट्स है एंड दैट टू लॉन्ग पॉकेट्स, लाइक लुक. मतलब लड़कियों को जो भी एक जीन्स में चाहिए ना, वो इस जीन्स में डेफिनेटली. पीछे भी पॉकेट्स है, इतना ज्यादा हाई वेस्ट है, मैं तो ये देख के ही खुश हो गई थी. इसकी MRP इज अराउंड ₹1199 एंड आफ्टर ऑफर ये मुझे डेफिनेटली 1000 रुपीज के अंदर मिली थी. बहुत ही ज्यादा अच्छी है एंड वाइड लेग है, तो वाइड लेग जीन्स तो बहुत सारे टॉप्स के साथ इजिली चली जाती है. ऑल योर रिप टॉप्स, ऑल योर फिटेड टॉप्स एंड मतलब जितने भी टॉप्स जो क्रॉप टॉप्स होते हैं, फिटेड होते हैं, उन सबके साथ डेफिनेटली चली जाने वाली. दिस इज एन अमेजिंग अमेजिंग जीन्स. नाउ नेक्स्ट अप, लेट्स मूव ऑन टू समथिंग जो मैंने ना फ्रीकिन से लिया, बिकॉज ये जो ब्रांड है ना, इसका मैंने मतलब इंस्टाग्राम पे भी बहुत सुना था एंड फिर मैंने देखा मिंत्रा पे भी रिव्यूज एंड रेटिंग्स बहुत अच्छी थी. सो आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई आउट अ जीन्स. तो मैंने ना डार्क चारकोल कलर जो होता है ना, वो लिया है. नाउ दिस इज नॉट अ वेरी वाइड लेग जीन्स, जैसे वो पहले वाला जो था ना, वो बहुत ज्यादा वाइड लेग था नीचे से. दिस इज लाइक अ स्ट्रेट से थोड़ा सा ज्यादा वाइड, दैट्स ऑल. बाकी इसका कलर बहुत अच्छा है. एंड हाँ, सबके लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन होंगे. एंड सबके अंदर मैंने साइज 30 लिया है टू बी ऑन सेफर साइड, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग अ लॉट ऑफ न्यू ब्रांड्स, तो मुझे नहीं पता था मुझे उसमें 28 फिट आ जाएगा क्या. कुछ कुछ है जो मुझे थोड़ी सी ढीली है, तो आई वुड से कि सभी में अपना परफेक्ट साइज ऑर्डर करना. मैंने थोड़ा सा फिट वगैरह गेन कर लिया है, तो मतलब मैं 30 ऑर्डर कर चुकी हूँ थी. ये वाली जो है ना, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा. दिस इज नॉट लाइक अ वेरी डार्क ब्लैक कलर, आप देख सकते हो देयर इज अ डिफरेंस इन कलर, एंड दिस इज लाइक अ डार्क चारकोल ग्रे सॉर्ट ऑफ अ कलर. कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ टॉप्स होते हैं जिसमें हमको ब्लैक जैसा सिग्निफिकेंट डार्क कलर कुछ नहीं पहनना होता है, देन चारकोल ग्रे इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन. इसका फिट भी बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है एंड दिस इज सुपर हाई वेस्टेड, लाइक फॉर अ टॉल गर्ल जिसका टॉर्सो बहुत लंबा है, दिस इज लाइक अ रियली रियली हाई वेस्टेड जीन्स. अगेन इसमें बहुत लंबे लंबे पॉकेट्स है, लेंथ भी बहुत अच्छी, दिस इज अ परफेक्ट जीन्स. एंड इसका मटेरियल इज मच मोर थिकर देन दिस, मतलब इसका मटेरियल अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट इसका मटेरियल तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है. लाइक दिस इज द जीन्स जिसको आप आराम से जारा और लिवाइस और कैलविन क्लेन की जीन्स से कंपेयर कर सकते हो, बिकॉज दिस इज लाइक अ प्रॉपर थिक डेनिम मटेरियल जो कि बहुत बहुत अच्छा है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड जीन्स जो कि अगेन स्टाइली से है. मतलब इस वीडियो में 7-8 जीन्स में से 3 स्टाइली की है, आई गेस, I don't know how, but हाँ है. तो now this is the next jeans which I got. Again very wide leg, super duper high waisted. और ये जो कलर है ना, ये जो कलर, यू वोंट बिलीव, अभी लिवाइस एक्स दीपिका पादुकोण का जो कलेक्शन था उसके अंदर सेम जीन्स है, लाइक डिट्टो जीन्स फॉर 7 or 6000 आई गेस आफ्टर ऑफर. मतलब बिना ऑफर के तो वो 8000 की है, ऑफर के बाद वो 6000 की है. एंड एग्जैक्टली सेम है, मतलब ये जो क्रीम जीन्स के ऊपर ये जो डार्क 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 वाली लाइनिंग है ना, ये वाली स्टिचिंग है, ये तक एग्जैक्टली सेम कलर की. तो जैसे मैंने इस जीन्स को देखा, आई वॉज लाइक आई एम गेटिंग दिस जीन्स राइट नाउ. इसका MRP इज
1199 बट देन हाउ कम इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू दिस. अगर ये 2500 वाली जीन्स की क्वालिटी H&M की, देन दिस इज लाइक अ प्रॉपर ज़ारा वाली क्वालिटी जो 3-4 हज़ार वाली जीन्स में आती है ज़ारा में. एंड अगेन वेरी हाई वेस्टेड, लाइक लुक कितना अच्छा खासा हाई वेस्टेड है, प्रॉपर वाइड लेग वाला पैटर्न है. अगेन आपके सारे क्रॉप टॉप्स, आपके सारे फिटेड टॉप्स रिप टॉप के साथ बहुत अच्छे से चली जाएगी. पॉकेट्स बहुत लंबे होते हैं. मटेरियल इसका डेनिम वाला बहुत बहुत अच्छा है. लाइक मैं इन सब जीन्स की क्वालिटी से बहुत सरप्राइज हूँ. तो मतलब मैं अगर हर बार हो बोलूँ देन डोंट बी सरप्राइज, बिकॉज ये सारी ही बहुत अच्छी क्वालिटी की है. नेक्स्ट अप आई शो अगेन अ ब्लू जीन्स, बट दिस इज फ्रॉम स्ट्रीट नाइन. स्ट्रीट नाइन इज अ ब्रांड जो मतलब मैंने लास्ट ईयर मिंत्रा से बहुत लिया. मतलब मैंने अगर ज़ारा और H&M के अलावा किसी की जीन्स मैक्सिमम पहनी है तो वो स्ट्रीट नाइन और सैसेफ्राज है. तो ये मेरे दो फेवरेट ब्रांड्स हैं. सैसेफ्राज की भी जीन्स है मेरे पास, देख दो. नाउ दिस इज द जीन्स विच आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड ये जो कलर है ना, दिस इज ऑल्सो लाइक अ मीडियम वॉश्ड ब्लू कलर, नॉट वेरी डार्क नॉट वेरी लाइट. दिस कलर गोज विद अ लॉट ऑफ टॉप्स. अगर आपको ऐसे ना कि आपको दो ही ब्लू जीन्स चाहिए आपके वार्डरोब के अंदर, देन डू नॉट गो फॉर वेरी लाइट कलर्स. ऑलवेज गो फॉर मीडियम वॉश जीन्स एंड डार्क वॉश जीन्स. लाइट कलर्स में आप क्रीम ले सकते हो, व्हाइट ले सकते हो, बिकॉज लाइट ब्लू वॉश जीन्स मैंने 2-3 खरीदी है एंड पता है वो मैक्सिमम कपड़ों के साथ नहीं जाती है. सो आई वुड से मीडियम वॉश या डार्क वॉश जीन्स लिया करो, बहुत अच्छे से ली जाती है. नाउ दिस जीन्स इज अगेन वाइड लेग, मतलब एक दो ही है स्ट्रेट फिट वाली, एक मॉम जीन्स भी है, बाकी मैक्सिमम मैंने वाइड लेग ली है. एंड हाई वेस्टेड जीन्स के अंदर ना थोड़े से वाइड लेग जीन्स ज्यादा अच्छी लगती है. दिस इज ऑल्सो वेरी हाई वेस्टेड, मतलब कैसे आई डोंट नो हाउ, बट दिस इज रियली रियली हाई वेस्टेड. इसका MRP ज्यादा था कंपेरेटिवली, बट देन ये मुझे सही प्राइस में मिली थी. बहुत MRP वॉज 2699, बट ये मुझे डेफिनेटली अंडर ₹1100 मिली है. एंड आप देख सकते हो इसमें थोड़ा सा ऐसा रग्ड वाला पैटर्न है, डिस्ट्रेस जीन्स है ये. एंड मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, तो आप इसे इजीली पहन पाओगे. एंड मतलब इसका मटेरियल इज अगेन लाइक दिस चारकोल ग्रे वाला जो मटेरियल था ना जीन्स का, बिल्कुल वैसा सा है. बहुत ही थिक गुड क्वालिटी जीन्स है. एंड यू नो वॉट, ये ब्रांड ऐसा है कि मैंने इसकी जीन्स एक साल से भी ज्यादा पहन रखी है एक दो, एंड बिल्कुल कलर नहीं जाता. बहुत अच्छी होती है, बहुत ही कंफर्टेबल होती है, बिल्कुल खराब नहीं होती. सो आई वुड रियली सजेस्ट कि ये वाली जीन्स तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. एंड फॉर दीज प्राइजेस आई गेस ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है. ₹1000 एक जीन्स पे इन्वेस्ट करो, 2-3 जीन्स ले लो, आपका पूरा साल 2 साल इजिली निकल जाता है. दैट्स वॉट आई यूज टू डू वेन आई वॉज इन कॉलेज. नाउ नेक्स्ट अप आई हैव अगेन अ ब्लैक कलर, बट दिस टाइम दिस इज फ्रॉम सैसेफ्राज. वो चारकोल ग्रे था एंड दिस इज लाइक अ प्रॉपर डार्क ब्लैक वॉश्ड कलर, लाइक प्रॉपर डार्क ब्लैक कलर. एंड ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है थोड़ी छोटी होने वाली है, प्रोबेबली बिकॉज मैंने इसमें 28 ऑर्डर कर दिया है. नहीं, लेट मी सी विच साइज हैव आई ऑर्डर्ड. साइज तो मैंने 30 ऑर्डर करा है, बट मुझे पता नहीं अभी तक मैंने इसको पहना नहीं है इस वाली पर्टिकुलर जीन्स को. सो आई डोंट नो ये मुझे फिट आएगी नहीं आएगी, बट देन दिस इज अ रियली नाइस प्रॉपर डार्क ब्लैक कलर. अब ये जो जीन्स है ना, इसमें ये रग्ड वाला पैटर्न है, उस पर बहुत सारे ऑप्शन थे सैसेफ्राज पे. प्लेन ब्लैक वाला भी मिल जाएगा, बिना रग्ड वाला, बिना जिसमें से ये डिस्ट्रेस पैटर्न होता है वो भी मिल जाएगा, बट आई वेंट फॉर दिस वन बिकॉज मेरे पास प्लेन ब्लैक वाला था. नाउ दिस जीन्स इज अगेन वाइड लेग, एंड अगेन बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी है. बट देन आई वोंट से कि 4-5 हज़ार वाली क्वालिटी है, आई वुड से कि हाँ दिस इज वर्थ द प्राइस. आई वुड से कि ये 2000 से ऊपर की अगर होती तो दिस इज लाइक नॉट वर्थ इट. एंड जस्ट बिकॉज ये मुझे सही प्राइस, वैसे MRP 2299, पर ये मुझे अंडर 1000 रुपीज मिली थी, तो उसके हिसाब से तो क्वालिटी बहुत अच्छी है. एंड अगेन इट्स वेरी हाई वेस्टेड, वो तो क्लियरली हमको दिख ही रहा है कि सारी जीन्स हाई वेस्टेड आई है, वरना पहले क्या होता था बताएं. आजकल आई गेस मिंत्रा पे हाई वेस्टेड जीन्स सच्ची में हाई वेस्टेड आने लगी, बिकॉज लास्ट ईयर तो कैसा होता था, व्हेन आई यूज्ड टू बाय जीन्स अलॉट, तो ना जितनी भी जीन्स आती थी ना वो मतलब हाई वेस्टेड लिखा होता था, पर वो मिड वेस्टेड आती थी या फिर कोई कोई हाई वेस्टेड निकलती थी. बट दिस टाइम सरप्राइजिंगली सारी की सारी जीन्स प्रॉपर हाई वेस्टेड आई है मुझे. कुछ कुछ है जो थोड़ी सी कम है, बट देन प्लीज डू नॉट जज हाई वेस्ट फ्रॉम मी, बिकॉज आई एम रियली रियली टॉल पर्सन. आई एम 5'8" 5'9", तो बहुत सी जीन्स ऐसी होती है जो मुझे हाई वेस्ट ना हो, बट देन इफ यू आर अंडर 5'5" तो आपको डेफिनेटली हाई वेस्ट होंगी. सो अगेन दिस इज लाइक अ रियली रियली गुड जीन्स, मटेरियल बहुत अच्छा है, अभी पहन के तो आपको यहाँ पे फिट दिख ही जाएगा. नाउ नेक्स्ट अप आई हैव अ जीन्स अगेन फ्रॉम स्टाइली. ये तीसरी जीन्स है स्टाइली से, ठीक है, ये तीसरी जीन्स है स्टाइली से. आई डोंट नो व्हाई सारी जीन्स स्टाइली की निकलती जा रही है. स्टाइली गाइस शुड पे मी फॉर दिस वीडियो नाउ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है. दिस इज नॉट अ जीन्स, ओके दीज आर लाइक द कार्गो पैंट्स. ओह मैन, ये बहुत सुंदर आए हैं.
लुक एट दीज प्रॉपर डार्क ब्लू कार्गो पैंट्स जो H&M पे 3000 रुपए के थे, एंड जो 2000 वाले थे वो मैंने ग्रीन कलर में मंगवाए थे. उनकी क्वालिटी अच्छी थी, बट आई वोंट से जीन्स वाला मटेरियल था, वो पैंट्स वाला मटेरियल था, लाइक पतला मटेरियल था. एंड ये प्रॉपर जीन्स वाले कार्गो पैंट्स है. व्हाट वाज द प्राइस फॉर दिस? द MRP इज 1249 और ये डेफिनेटली मुझे 1100 रुपीज या 1000 रुपीज के अंदर मिले. दिस इज वेरी वेरी नाइस, लाइक ये बहुत कूल जेन ज़ी वाला फिट लगने वाला है. कार्गो पैंट्स आजकल इतने ट्रेंड के अंदर है, इतने ज्यादा ट्रेंड के अंदर है कि मैं तो मतलब मेरे को तो याद भी नहीं था मैंने कोई कार्गोज ऑर्डर करे हैं. एंड द पॉकेट्स आर रियली रियली लॉन्ग, एज यू कैन सी साइड वाली जो पॉकेट है भी बहुत ही मस्त आए हैं. देखो कितना अच्छा है, प्रॉपर कार्गो वाला फिट है, रियली रियली लॉन्ग एंड हाई वेस्टेड. ओके दीज आर वेरी मच हाई वेस्टेड. वाओ, आई मीन द साइज ओके 30 फॉर दिस, मतलब मैंने सब में 30 साइज ऑर्डर करा है यार, ये तो बहुत सही है. आई लव इट बहुत अच्छा है. इसके अंदर अगर आपको कलर्स मिल जाए ना, मतलब अगर इसमें मुझे कलर्स मिलेंगे मैं ढूंढ के रखूंगी, तो मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऐड करने वाली हूँ. बिकॉज दीज कार, अगर आपके पास कार्गोज नहीं है ना, यू शुड बाय दिस, लाइक लिटरली बाय दिस अभी की अभी, बिकॉज ये बहुत अच्छा है. आई लव दिस मटेरियल, नाइस. नाउ द लास्ट जीन्स इज अगेन फ्रॉम सैसेफ्राज. मतलब हमारे पास 3 जीन्स स्टाइली की थी, 2 सैसेफ्राज की, 1 फ्रीकेंस एंड 1 स्ट्रीट 9. सारे के सारे पॉपुलर जीन्स ब्रांड तो मैंने आपके लिए ट्राई कर ही दिए हैं इस वीडियो के अंदर. दिस जीन्स इज समथिंग जो बहुत डिफरेंट है, मतलब आप देख ही सकते हो. ऑफकोर्स दिस इज अ ब्लू वन, अगर फिर आप बोलोगे फिर से ब्लू आ गया, बट देन दिस इज समथिंग लाइक दिस जिसमें यहाँ पे ऐसा दिल बनाया. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग फंकी एंड आपको आपके बेसिक आउटफिट्स को एम्प अप करना, लाइक इफ यू आर वेयरिंग अ प्लेन वाइट बेसिक टैंक टॉप एंड यू थिंक यार नहीं बोरिंग हो जाएगा जीन्स के साथ, तो बट दिस जीन्स इज समथिंग जो बिल्कुल बोरिंग नहीं बनाएगी आपके आउटफिट्स को, बिकॉज इसके अंदर यहाँ पे हार्ट का कटआउट बना हुआ है. लिटरली इतना ज्यादा क्यूट लग रहा है ये. अगेन दिस इज सुपर डुपर लॉन्ग एंड हाई वेस्टेड भी है. लाइक मेरे को ना अब मैं इतना ज्यादा जीन्स खरीद चुकी हूँ कि मेरे को अब यहाँ से पकड़ के पता लग जाता है कि कोई जीन्स सच्ची में हाई वेस्टेड होगी या नहीं होगी, एंड दिस इज रियली हाई वेस्टेड. नाउ वाई डू आई से हाई वेस्टेड? अगर किसी जीन्स की यहाँ से लेके यहाँ वाली लेंथ इज मोर देन 10.5 और 11, देन दैट इज लाइक अ रियल गुड हाई वेस्टेड जीन्स ऑन मी. तो मैं देखती हूँ कि यार 12 हो, कभी कभी 13 हो, किसी किसी जीन्स में तो पता है ज़ारा की जीन्स में 14 तक मिल जाती है, तो वो तो यहाँ तक भी आ जाती है, तो 2000 एक तो सुपर सुपर हाई वेस्टेड. बट देन हाँ, दिस इज डेफिनेटली हाई वेस्टेड, इसकी 12 के आसपास, 12.5 के आसपास होगी. एंड इसका जो कलर है ना, अगेन इट्स लाइक अ रियली वॉशी ऐसा, मतलब इट्स नॉट लाइक अ प्लेन सॉलिड कलर, बहुत ही वॉश्ड वाला पैटर्न है, वॉश्ड वाला कलर है. एंड ये जो कलर्स है ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं बोथ विद लाइट टॉप्स एंड बोथ विद डार्क, आई मीन बोथ फॉर लाइट एंड डार्क टॉप्स, दोनों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं. पॉकेट्स की लेंथ भी बहुत अच्छी है, किसी में भी फेक पॉकेट्स नहीं है. सारी जीन्स में 4 पॉकेट्स है, 2 आगे 2 पीछे, एंड दैट टू ऑफ रियली रियली गुड लेंथ. देखो ये पीछे वाले पॉकेट्स भी कितने लंबे लंबे हैं इनके. आई एम सुपर इम्प्रेस्ड भाई, मतलब सैसेफ्राज, स्टाइली, फ्रीकिंस एंड स्ट्रीट 9, ये 4 ब्रांड्स तो बहुत अच्छी आई जीन्स. एंड इफ यू वॉन्ट टू ट्राई मी सम अनदर ब्रांड्स फ्रॉम मिंत्रा, देन लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो, मैं वो भी कर दूंगी. ये भी अगेन बहुत अच्छी थी, सभी के अंदर मेरा साइज 30 है. बी इट एनी जीन्स, बी इट एनी ब्रांड, सारी की सारी जीन्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नीचे लिंक कर दूंगी. एंड किसी किसी में मुझे अगर कुछ और कलर्स पसंद आएंगे तो मैं वो भी लिंक कर दूंगी. यू कैन गो एंड बाय ऑल दीज जीन्स, एंड मतलब these are really 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 good. So this was all about the video, and if you really really liked the video and enjoyed watching it, then please please don't forget to give this video a big thumbs up and subscribe to my channel for more such videos. And you can let me know in the comments down below ki aapko aur kaun se hauls dekhne hain, aur kaun se styling videos dekhne hain. I'll definitely make it for you guys. Thank you so much for watching. Bye bye.